देखिए देखिए कैसे सर्कस दिखा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों गाज के ऊपर किस प्रकार से सांप चढ़ा हुआ है, फोड़ लो। देखिए 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 गाज के ऊपर चढ़ा हुआ था और ये जो सांप है इसे हम लोग धामन के नाम से जानते हैं, बिना जहरीला, थोड़ा सा भी जहरीला नहीं है, लेकिन इसे घोड़ा पछाड़ तो कहीं कहीं धामन तो कहीं कहीं दवास के नाम से जाना जाता है। और ये जो सांप है बुलेट ट्रेन से स्पीड भागता है, इसके काटने पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, हार्ट अटैक से इंसान का मरना निश्चित है। इसीलिए कोई भी सांप को टच करने का, छूने का, पकड़ने का कोशिश करने के आगे आप लोग क्या कीजिए, ट्रेनिंग, या फिर ये जान के रखिए अगर जहरीला रहा तो जहर से जान जाएगा, अगर बिना जहरीला रहा तो हार्ट अटैक से जान जाएगा, जान दोनों ही तरफ से जाना निश्चित है। इसलिए सांप को टच ना करें। सामने आपने देखा किस प्रकार से गाछ में ये चढ़ा हुआ था और भैया के सूचना पर देखिए हम आए हुए हैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए अपने ही पंचायत एरिया में। और आज से फिर वही सिलसिला जारी हो गया क्योंकि दो चार दिन से इतना ही ज़्यादा बारिश, इतना ही ज़्यादा पानी हो रहा था हमारे एरिया में कि पूरा पंचायत आधा आधा डूब गया था। क्या आपके उधर भी बारिश हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। और फिर से एक बार कहना चाहते हैं ये जो है करीबन एखन तो छोटो देखो करीबन 10 फीट का हो जाएगा, 10 फीट मतलब समझ रहे हैं हमारे से भी दो गुना लंबा। और इसके ऊपर जीवी पैर गिर जाए या फिर कोई छेड़छाड़ होता है तभी ये आपको काट लेगा। और काटने के बाद फिर से एक बार कहना चाहते हैं कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, डायरेक्ट सरकारी सदर अस्पताल की ओर जाएं, अन्यथा झाड़ फूक ओझागुनी के चक्कर में ना रहें, क्योंकि दोस्तों ओझागुनी जिंदगी कर सकता है आपका, सुनिए। इसलिए ओझागुनी, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहें। और बहुत कोई कहते हैं हम डायलॉग कॉपी करते हैं, आप भी कॉपी कीजिए, कॉपी करना मना नहीं है, नकल में भी बहुत ज़्यादा अकल चाहिए। सांप तो सबको पकड़ता, हम भी सांप पकड़ रहे हैं तो ये भी कॉपी कर रहे हैं, बोलिए नकल में अकल चाहिए। और कुछ खाया हुआ है, भोजन के तलाश में आए दिन आपके हमारे घर में ये घुस जाता है, घुसने के बाद लोग क्या करते हैं इसे डंटा से मार डालते हैं। तो हम लोग अपना पंचित एरिया में इतना ही अच्छा काम सर्विस देते हैं, लोग बुलाते हैं हम लोगों को और रेस्क्यू कराते हैं। इस पेड़ को एक बार लीजिए, हरा रंग का कहा दामी ना जी, लीजिए। बैठ मुंह में बैठ करेगा, जो इसके साथ कोई छेड़छाड़ कोई बदतमीजी होती है तभी ये काट लेता है। और देखिए मेढक खाने के लिए भैया के घर में गाच में चढ़ा हुआ था, किस प्रकार से इसको भी मानना पड़ेगा। गाच में चढ़ने के लिए छोटा छोटा छिपकली को, छोटा छोटा पंछी का अंडा को उसके घोंसले से गायब करने के लिए ये सांप बना है। और किसानों का बहुत ज़्यादा दोस्त क्योंकि इसे रैट्स ने कहा जाता है, रैट को, चूहे को खाने के लिए सक्षम है। देखिए लीजिए, ऐसा सीन शायद ही आपको किसी ने दिखाया होगा, बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। लीजिए आ रहा है, बहुत ही प्यारा सीन, इतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए देखिए कैसे सर्कस दिखा रहा है दोस्तों। सर्कस सर्कस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में देखिए सर्कस किस प्रकार से लपेट के चल रहा है। देखिए आइए, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा शेयर और एक छोटा सा लाइक इस काम के लिए दोस्तों बनता है। इसी के साथ
किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका दोस्त भाई बंधु मिलता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, और हमारा प्यार भर आप सलाम लीजिए। तो अपना परम कर्तव्य निभाते हुए और उसी राह पर फिर से निकल चुका है सांप को रिलीज करने के लिए, क्योंकि रिलीज करने का मजा ही कुछ अलग लगता है। और इस सांप का एक बार नाम फिर से हम बता देना चाहते हैं, कैमरामैन से आग्रह का है, थोड़ा सामने आइए। इंग्लिश में इंडियन रैट स्नैक, हिंदी में धामन, बांग्ला में दड़ास, और साइंस इसको पटियास मकोसा कह के बुलाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर उसी अंदाज में सांप को इस पर्यावरण में हमेशा के लिए रिलीज किया जाए। देखिए, छोड़ते ही फिर मिलेगा नहीं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलता हूँ। तब तक के लिए हमारे वीडियो में आप बने रहें, कैसे सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।